आज तक मैंने कभी खाटू में ये बात शेयर नहीं करी, कीर्तनों में काफी बार बताया है पहले, आज पहली बार मैं खाटू धाम में आपसे बात शेयर कर रहा हूं। बचपन से सुना हमने मालिक तो हमारा, ये भजन 2017-18 के आसपास बना। एक जगह मैं ये भजन गा रहा था और एक बहुत बड़े लेखक, उन्होंने मुझे इस भजन के लिए टोक दिया बीच कीर्तन में माइक लेकर। क्यों पता है? इसमें एक लाइन है, तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, और तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है। उन्होंने क्या टोका बताया, उन्होंने मुझसे माइक लिया, 17-18 की बात कर रहा हूं, और बोला कि आप अच्छा गाते हैं, युवा है, लेकिन लेखनी में अभी भी सुधार होना बाकी है। ठीक है, क्या बताइए? उन्होंने कहा आपने लिखा है तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, और तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा, इसका अर्थ ये निकलता है कि आपने बाबा को आंसुओं में देखा है, और आंसू मैल होते हैं और मैल में बाबा नहीं रहता। मुझे अच्छी बात लगी, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, प्रणाम किया, भजन गाना बंद। मैंने सोचा अब अंतरा नया बनेगा तब गाएंगे। आप में से काफी लोग परिचित होंगे एक नाम से, हमारे श्याम जगत की शान है, संजू शर्मा भैया। वो उन दिनों जयपुर रहते थे, मैं भैया के घर पे था, दो तीन दिन ठहरा हुआ था, ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो मैंने उनको बताया, बोला भैया आया को होगो काल, बोले क्यों होगो, बोले भैया आया गा रहे थो मारवाड़ी से, तो भैया आया गा रहे थो, और गाता गाता भाई साहब माइक ले लिया, टोक दिया, और बोले आंसू मैल होते हैं मैल में बाबा, भैया ताली पीट पीट के हंसने लगे। हाँ बेटा थोड़ा सा वोकल बाहर बढ़ा देना हल्का सा, मेरा गला मत दी जा रहे, थोड़ा और बढ़ा दो हल्का सा। उन्होंने कहा बोले उनके साथ भी 20 साल पहले सेम घटना हुई थी। मैं बोला कैसे भैया? बोले सेम व्यक्ति, सेम बात और सेम मुद्दा। मैंने बोला डिटेल मांगी, बताओ क्या हुआ? बोले तूने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया। बोले मैंने 20 साल पहले 2018 में, उन्होंने कहा मैंने 20 साल पहले एक भजन लिखा था, कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को, तो आंसू दे देना चरणों में चढ़ाने को। मैंने बोला भैया लगभग लगभग एक जैसी बात लिख ली आप, थे भी आंसू पर लिखे, मैं भी आंसू पर लिखो। बोले सेम व्यक्ति 20 साल पहले मेरे पास आया, जैसे आपसे माइक लिया वैसे मुझसे भी माइक लिया, और माइक लेके बोले बेटा युवा हो अच्छा गाते हो मगर लेखने में सुधार की दरकार है। ठीक है, क्या दरकार है? बोले आप सोचो वो तीन लोगों का स्वामी जो नामुमकिन चीज भी दे सकता है, उससे आप कुछ भी मांग सकते थे, मगर मांगा क्या? आंसू अगर दे दिए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं बोला भैया मैं हो तो थारी जगह तो मैं फिर जवाब बोल देता, मैं फिर आ जाता, थे दिया जवाब? बोले हाँ दिया। अब उनका जवाब सुनिए, कहते हैं नरेश भैया माना मैं लाइन सेट के थोड़ी चार लाइनें उनके लिए नहीं, उनके जैसे जो भी दिक्कत है शाम जगत के उनके लिए कह रहा हूं। माना कि कोने में चुपचाप खड़े रहते हैं, माना कि कोने में चुपचाप खड़े रहते हैं, मगर साहब जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। अब उनका उनकी सोच देखिए, हमारी उम्र के थे लेकिन उस समय उनकी सोच क्या थी, सुनिए। उन्होंने कहा आंसू होंगे आपके लिए छोटी चीज, आंसू होंगे लिए आपके मैल, लेकिन साहब हमारे लिए मैल छोटी चीज नहीं है, आंसू हमारे लिए क्या है? आंसू वो खजाना है, किस्मत से मिलता है, और
इसके पहचाने से मेरा शाम पिघलता है। पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, आगे सुनिए उन्होंने क्या कहा। छोड़ा नहीं भाई साहब, उन्होंने बोला भाई साहब सुनिए, आपको आंसू छोटी चीज लगती है तो इतिहास का पन्ना उठाकर देखता हूं, अगर आप मेरी बात ना मानो तो इतिहास के पन्ने गवाह है। नरसी ने बहाए थे, मीरा ने बहाए थे, और जब जब भी कोई रोया तुम दौड़े आए। तालियां बचा लो क्योंकि अगली लाइन पर रोक नहीं पाओगे खुद को। पिक्चर अभी भी बाकी है। अब उन्होंने जो क्लाइमेक्स बताया वो सुनिए। उन्होंने बोला आंसू का एक ऐसा परिचय दे रहा हूं कि जीवन में आपके लिए आंसू क्या है इसके मायने बदल जाएंगे। सुनिए परिचय क्या है, आंसू चीज क्या है। अब बजाना तालियां अगर अच्छा लगे तो। दुख में बह जाते हैं खुशियों में जरूरी है, और आंसू के बिना संजू हर आंख अधूरी है। तो आंसू के बिना संजू हर आंख पूरा करते आंसू हर एक हर जान। हम जिस धरती पर खड़े हैं इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूं। कोई हमसे पूछे जरा जन्नत कैसी होगी, दावे से कह देंगे खाटू जैसी होगी। अरे जीते जी स्वर्ग मिला, हम मरने पर क्या मांगे। बोलो बोलो। अरे जीते जी स्वर्ग मिला, हम मरने पर क्या मांगे। हर किसी को नहीं मिलता ये दरबार जिंदगी में। खुश नसीब है हम खुश नसीब है हम, हमको है मिली ये बहार। न जाने कितने लोग इस शाम परिवार से जुड़े होंगे, न जाने हिंदुस्तान के हर मंदिर में आज कीर्तन हो रहा होगा, न जाने कहां कहां प्रेमी आंखों से आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन आप उन सौभाग्यशाली में चुने गए हो जिसे बाबा ने कहा है मेरे धाम में बैठकर कीर्तन करेगा। तो और इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, जो आज है वो कल होगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए जो आज है उसका आनंद भरपूर उठा लेना। बोलो श्याम प्यारे की जय हो।